हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में पुरुषोत्तम कथा एवं श्रीमद भागवत कथा सहित मंडल पूजा रुद्राभिषेक हवन यज्ञ विभिन्न स्रोतों के पास श्रीमद भागवत मूल पाठ पारायण संपादित हो रहे हैं। सोमवार को श्री पुरुषोत्तम भगवान के महात्म्य का निरूपण करते हुए व्यासपीठ से स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि जो भगवान पुरुषोत्तम की पूजा से रिक्त समय बिताते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही दुख सबसे बड़ा दुख लगता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति दुखी भी होता है सुखी भी होता है, फिर भी प्रत्येक इंसान को अपना ही दुख सबसे बड़ा दुख प्रतीत होता है। सुख दुख में समानता होते हुए भी किसी को सुख दुख की कम प्रतीति होती है और किसी को अधिक सुख दुख की प्रतीति होती है। इन सब का मूल कारण मनुष्य के द्वारा किए गए सत्कर्म और दुष्कर्म की न्यूनता या अधिकता ही है। सायंकालीन सत्र में मासिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का वाचन करते हुए 18वें दिन श्रीमद् भागवत के धर्म पंचध्यायी का निरूपण किया गया। व्यासपीठ से बताया गया कि समस्त धर्म का उद्भव स्थान वेद और परमात्मा है। सनातन धर्म वेद मूलक होने के कारण है, विश्व के प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत हितकारी है। इस सनातन धर्म के स्तंभ रूप 30 प्रमुख मानवीय गुणों का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सत्य दया तप पवित्रता सहनशीलता विचार विमर्श इंद्रियों का संयम मन का संयम अहिंसा ब्रह्मचर्य का पालन त्याग शास्त्रों का अध्ययन सरलता संतोष समदर्शी मौन अपने आप का चिंतन समस्त प्रधानों को यथा योग अन्न वितरण करना सब प्राणियों में भगवत भाव रखना परमात्मा का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना सहित यह 30 गुण प्रत्येक मनुष्य को देवत्व प्रदान करने वाले कहे गए हैं। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन संत मायाराम संत राजाराम संत गोविंदराम वे अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। सायंकालीन आरती में क्षत्रिय धनधर पूर्बिया गाडरी समाज के जिलाध्यक्ष छोटूलाल पूर्बिया सचिव भेरूलाल पूर्बिया लाडूलाल गाडरी देवीलाल गाडरी मांगीलाल गाडरी व अन्य ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सती ने अपने भूमिका के द्वारा दुनिया को दिखा दिया जो अपने अंतकरण को पवित्र नहीं किया है, जो सनातन धर्म का अनुयायी नहीं है, जो परमात्मा को मानने वाला नहीं है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा को परमात्मा के रूप में कभी भी नहीं समझ सकता है। सती कहती है ये परमात्मा यदि है तो रो क्यों रहे हैं सीता के लिए, और अगर रो रहे हैं तो ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं, और यदि परमात्मा नहीं है तो फिर मेरे पतिदेव में जय सच्चिदानंद क्यों बोलो। जब तक कोई भगत आके इकट्ठा हो तब तक संगीत वाले भजन करें और भगत जन आ जाए पंडाल भरे तो व्यासपीठ पे महाराज जी आए और फिर कथा करें। और आज बिल्कुल विपरीत स्थिति है, हाल में कोई ना हो तो कथा करने का आनंद ही कुछ और आता है महाराज जी को। बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई है। क्यों? धरती पर जो कलयुग का प्रताप जो आपने भक्त प्रहलाद का सुना, ऐसे भक्त प्रहलाद हुए हैं जो नाम के माध्यम से परमात्मा की स्मरण के माध्यम से और सबको सेवा के माध्यम से जोड़कर अपने पिता